बोला नीचे की जो हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों को माइक के लाल हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों को वोटिंग राइट। तेजस्वी जी आरएसएस पर भी बोले हैं, लेकिन 90 में मुख्यमंत्री लालू जी बने थे उसी आरएसएस के बदौलत, 77 में एमपी बने थे उसी आरएसएस के बदौलत, और 26 साल में जो 52 संपत्ति इकट्ठा कर लिए उस पर भी बोलना चाहिए। किस तरीके से योगदान रहा आजादी में, क्या क्या योगदान रहा आजादी में, यही गिनवाया। आजादी में संपत्ति उतना कहाँ से ले आए, नाबालिग थे, 18 साल के बाद लोग काम करता है, उतना संपत्ति वो कहाँ से इकट्ठा कर लिए, संपत्ति कहाँ से इकट्ठा कर लिए। और आरएसएस के बारे में बोल रहे थे, लालू जी 77 में एमपी बने, 90 में मुख्यमंत्री बने आरएसएस के बदौलत। माफी मांगने की बात कर रहे हैं, माफी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज और मैं हूं शिवम कुमार। देखिए, बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज काफी हंगामा हुआ। राज्यपाल फागू चौहान का अभिभाषण चल रहा था, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह कह दिया है कि किसी के माई के लाल में ये दम नहीं है जो कि वो मुसलमानों का वोटिंग राइट खत्म कर दे। आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरह से बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने एक बयान दिया था जिसके बाद से काफ़ी हो हंगामा भी हुआ। और आज की बात करें तो आज सदन के भीतर भी विपक्ष और सत्ता पक्ष जो था वो काफ़ी हंगामा कर रहा था, जिसके बाद से सदन की कार्रवाई को 11 बजे यानी कि कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सीधे तौर पर जब आज हमने हरिभूषण ठाकुर बचौल से बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि 1990 में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे तो वो आरएसएस के बदौलत बने थे। यानी कि सीधे तौर पर ये कहना था उनका कि आज लालू प्रसाद यादव जो कुछ भी हैं वो आरएसएस के वजह से हैं। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव उनके पुत्र के बारे में कहा है कि 26 साल में 52 संपत्तियां कहां से अर्जित की, पहले ये जनता को जवाब दें। तो आइए सुनते और भी क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल। नीचे की जो हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों को माइक के लाल हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों को वोटिंग राइट दिया जाए। तेजस्वी जी आरएसएस पर भी बोले हैं, लेकिन 90 में मुख्यमंत्री लालू जी बने थे उसी आरएसएस के बदौलत, 77 में एमपी बने थे उसी आरएसएस के बदौलत, और 26 साल में जो 52 संपत्ति इकट्ठा कर लिए उस पर भी बोलना चाहिए। किस तरीके से योगदान रहा आजादी में, क्या क्या योगदान रहा आजादी में, यही गिनवाया। आजादी में संपत्ति उतना कहाँ से ले आए, नाबालिग थे, 18 साल के बाद लोग काम करता है, उतना संपत्ति वो कहाँ से इकट्ठा कर लिए, संपत्ति कहाँ से इकट्ठा कर लिए। और आरएसएस के बारे में बोल रहे थे, लालू जी 77 में एमपी बने, 90 में मुख्यमंत्री बने आरएसएस के बदौलत। माफी मांगने की बात कर रहे हैं, माफी 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 मांगने का कोई सवाल ही नहीं। सदा जनता देती है, सदस्यता जनता देती है, और सदस्यता हम बाहर बोले हैं, भीतर में 23 मार्च 21 को क्या क्या किए थे लोग, लोकतंत्र को तार तार किए थे। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।